हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अनुबंध से संबंधित प्रावधान या नियम। भारत में एक व्यावसायिक क्रिया के लिए अनुबंध से संबंधित प्रमुख जो नियम या प्रावधान हैं उनको हम पढ़ रहे थे। उनमें आज हम पढ़ेंगे उत्पीड़न संबंधी प्रमुख प्रावधान या नियम। उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को इन बातों से प्रेरित करना। जैसे पहला है जोर जबरदस्ती, दूसरा है दबाव, तीसरा है धमकी देना, चौथा है मारना पीटना, बल प्रयोग, यदि इन सभी के माध्यम से या इनमें से किसी एक कार्य के माध्यम से एक व्यक्ति की सहमति ली जाती है तो उसे कहा जाता है उत्पीड़न। उत्पीड़न में एक व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उस पर दबाव डाला जाता है, उसे मारने पीटने या उसकी संपत्ति को किसी भी प्रकार का जो नुकसान है वो पहुंचाने के लिए धमकी दी जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके साथ स्वयं के साथ मारपीट की जा सकती है या उसके संबंधियों के साथ भी मारपीट की जा सकती है, या उसके साथ हम बल प्रयोग करके भी सहमति ले सकते हैं, उसे कहा जाता है उत्पीड़न संबंधी प्रमुख प्रावधान या नियम। तो अब देखिए, उत्पीड़न संबंधी जो प्रमुख प्रावधान या नियम है वो किस प्रकार से है। पहला हुआ कि उत्पीड़न है उसमें किस किस को सम्मिलित किया जाता है? जोर जबरदस्ती, दबाव, धमकी देना, मारना पीटना या बल प्रयोग करना, और इनके माध्यम से जो सहमति ली जाती है उसे ही उत्पीड़न कहा जाता है। दूसरा है उत्पीड़न को इंगित करने वाले उत्पीड़न को इंगित करने वाले उत्पीड़न को इंगित करने वाले कुछ कार्य इस प्रकार हैं। उत्पीड़न को इंगित करने वाले जो मुख्य कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। कौन कौन से कार्य हैं जिनको उत्पीड़न में सम्मिलित किया जाता है? जैसे मारना पीटना, धमकी देना, बल प्रयोग, आदि, इन सभी को उत्पीड़न में सम्मिलित किया गया है। अगला जो प्रावधान है वो इस प्रकार है, उत्पीड़न का उद्देश्य ठहराव करना होता है। उत्पीड़न में एक पक्षकार है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह दूसरे पक्षकार के साथ ठहराव करना होता है। यदि
ठहराव करने के उद्देश्य के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मारना, पीटना या धमकी देना या बल प्रयोग से संबंधित कार्य करता है तो उसे हम उत्पीड़न नहीं कह सकते हैं, जब तक कि उसका उद्देश्य ठहराव करना नहीं हो। अगला है पक्षकार अनुबंध। पक्षकार अनुबंध, पक्षकार अनुबंध करने के उद्देश्य से के उद्देश्य से दूसरे पक्ष का के साथ उत्पीड़न कर सकता है अथवा दूसरे पक्ष का के संबंधी के साथ भी उत्पीड़न कर सकता है उत्पीड़न में जो उत्पीड़न में अनुबंध करने वाले जो पक्षकार हैं वे दूसरे पक्षकार के साथ स्वयं के साथ भी उत्पीड़न कर सकते हैं या दूसरे पक्षकार के संबंधी के साथ भी उत्पीड़न का सहारा ले सकते हैं। अगला है कर्मचारियों द्वारा अपने नियोक्ता अगला है उत्पीड़न का प्रयोग जिस स्थान पर किया गया है उत्पीड़न का प्रयोग जिस स्थान पर किया गया है वहां पर भारतीय दंड विधान का लागू होना अथवा लागू होना अथवा नहीं होना महत्वहीन है। एक पक्षकार के साथ जहां पर या जिस स्थान पर उत्पीड़न किया गया है उस स्थान का भारतीय दंड विधान में लागू होना अथवा नहीं होना महत्वहीन है। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ एक ऐसी जगह पर भी उत्पीड़न होता है जो कि भारतीय दंड विधान के अनुसार दंड विधान से बाहर है तो वहां पर भी उत्पीड़न वाले जो प्रावधान है वो लागू होंगे। अगला है उत्पीड़न संबंधी हम प्रावधान पढ़ रहे थे, उसमें जो चौथा प्रावधान है वह कर्मचारियों द्वारा यदि नियोक्ता के सामने कोई मांग रखी जाती है तो इस प्रकार की जो मांग है वो उत्पीड़न में सम्मिलित नहीं होती है। अब हम देखते हैं उत्पीड़न के जो प्रभाव हैं या परिणाम हैं वो कौन कौन से प्रभाव या परिणाम होते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उत्पीड़न के माध्यम से यदि सहमति प्राप्त की जाती है तो उसके जो परिणाम हैं या प्रभाव हैं वो इस प्रकार हैं।
पहला प्रभाव है उत्पीड़न के आधार पर किया गया जो अनुबंध है उसमें पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध वर्धनीय होता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को लागू करवा सकता है और चाहे तो उसे व्यर्थ समझ सकता है। अगला प्रावधान है प्रत्यास्थापना। प्रत्यास्थापना वाला जो प्रावधान है वो ये बताता है कि उत्पीड़न के आधार पर किए गए अनुबंध में यदि कोई वस्तु ली जाती है या दी जाती है तो उन दोनों को वापस करना पड़ेगा।